गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है हमेशा की तरह। एंड लेकर आ गई हूँ खान सर की एक और वीडियो। अच्छा, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी है उन्होंने बोला है कि खान सर की एफआईआर वाली वीडियो इतने सारे मुझे मिले तो उसमें से मैंने ये सजेस्ट किया है। तो इससे बेटर है कि अगर मैं किसी गलत वीडियो पर रिएक्शन ना दूं तो आप लोग जो है ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम कर लो, और जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, और सेकंड ऑप्शन है कि आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। टाइटल जरूर मेंशन कर देना, ठीक है? और गाइज कुछ नहीं, चलते हैं हम लोग हमारे एफआईआर के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो सुनने के बाद, देखते हैं आज क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। जिस वीडियो में हम आपको आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर बताए थे, उसके बाद हम आपको बता दिए थे कि एफआईआर, जीरो एफआईआर और चार्जशीट में क्या होता है। फिर हम आपको बताए थे कि फर्जी एफआईआर से कैसे बचा जाता है। देखिए, ये एफआईआर को लेकर चार कंडीशन बनते हैं। पहला कि पुलिस स्टेशन में आपका एफआईआर ही कोई ना लिखे। दूसरा कि आप ही के नाम पे कोई फर्जी एफआईआर लिख दे। और अगर फर्जी एफआईआर लिख दिया तो आपकी अगर नौकरी लगने वाली है तो उसके क्या असर पड़ेगा। और आप ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी में और आपको इधर किसी केस में नाम डाल दिया तो उसमें क्या होगा। तीन चारों कंडीशन को समझिए। सबसे पहले समझते हैं कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो क्या होता है। दो तरह के केस होते हैं जिसको हम पहले समझा दिए हैं। नॉन कॉग्निजिबल मतलब ऐसे अपराध जो बहुत छोटे मोटे हैं, जैसे किसी को एक दो तमाचा मार दिए, ये सब छोटा मोटा अपराध में आता है। और एक कॉग्निजिबल होता है संज्ञेय अपराध, जिसमें मार पीट, रेप, सर फाड़ दिए, हड्डी तोड़ दिए, गोली चला दिए, ये सबको होता है कॉग्निजिबल ऑफेंस। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होता है उसमें संज्ञेय अपराध में नियम है कि सीआरपीसी जो सेक्शन है 154 ये कहता है कि पुलिस को मैंडेटरी है एफआईआर लिखना जरूरी है। लेकिन आप जाते हैं, आपके साथ मारपीट हुआ है, सर फोड़ दिया, फिर भी पुलिस आपका एफआईआर नहीं लिखती है, तो इसके लिए आप एक और रास्ता अपना सकते हैं कि पुलिस का जो सीनियर ऑफिसर होता है जिसे डीएसपी बोलते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहां आप जाके कह सकते हैं कि सर ऐसा मामला है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। ये नहीं सुनते तो आप एसपी को बोल सकते, एसपी जरूर ही सुन लेते हैं। ये भी अगर नहीं सुने ना तो आप जाइए सीधे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो या तो इनको बोलेगा या एफआईआर लिखने के लिए, नहीं तो मजिस्ट्रेट खुद एफआईआर लिख देगा अनुच्छेद 156 के तहत, वहां से एफआईआर लिख देगा और वो थाना को भेज देगा कि ये हम जो एफआईआर लिखे ना इसको तुम अपने डायरी में उतार के जांच करो। और अगर आप यहां भी शांत नहीं हुए ना तो इसी मजिस्ट्रेट से कहिएगा कि ये मेरा एफआईआर आप लिख दीजिए, और वो जो पुलिस वाला एफआईआर नहीं लिखा है उसके खिलाफ भी कंप्लेन कर दीजिए। और उसके लिए सीआरपीसी की धारा 166A आता है, तो 166A के खिलाफ आप पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो पुलिस वाले अगर ज्यादा नहीं सुनते हैं ना, ये लोग थाना में बैठ के अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझने लगते हैं, तो आप कोई छोटा मोटा भी वकील लेके चले जाइएगा ना तो ये लोग शांत हो जाते हैं। नहीं तो आप आराम से कहिए इफ यू विल नॉट रिटर्न माय एफआईआर देन आई विल टेक अ लीगल एक्शन अगेंस्ट यू एंड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट अंडर द सेक्शन 166A, समझ जाएगा भाई पहुंचा फकीर है, इसका लिख दो। आप समझते हैं, आपके ऊपर किसी ने फर्जी एफआईआर लिख दिया, तब अगर फर्जी एफआईआर लिखा गया है और संगीन अपराध में होता क्या है कि बैकग्राउंड में खान सर है क्या, क्योंकि शर्ट का कलर सेम है और लग भी वैसे ही रहे हैं। ओके, गांव में मारपीट हो गया, कहीं किसी का सर फूट गया, हाथ टूट गया, अब वो क्या करता है ना 10-20 आदमी का नाम डाल देता है। अब उसमें नाम डाल दिया तो भाई उसके साथ जो अपराध हुआ है वो संगीन है, उसमें आपकी गिरफ्तारी होगी बिना आपको वारंट दिखाए। छोटे मोटे अपराध नॉन कॉग्निजिबल में आप पुलिस से मांग सकते हैं वारंट, लेकिन कॉग्निजिबल में पुलिस वारंट नहीं दिखाएगी, उठा ले जाएगी एफआईआर हो गया है। तो उसने तो उसको मारपीट हुआ है लेकिन आप नहीं थे, आपकी दुश्मनी थी या फिर जलता था तो आपका नाम दे दिया उसमें, तो वो फर्जी एफआईआर है, तो अब आपको पुलिस खोजने लगेगी, उठा ले जाएगी, तो आपको गिरफ्तारी का खतरा हो गया है। तो इसके लिए क्या कहिए, आप अपने किसी संबंधी को, पिताजी या किसी को भी आप डीएसपी ऑफिस या फिर एसपी ऑफिस में ले जाइए, वहां आप दस्तावेज दीजिए, प्रूफ दीजिए कि हाँ सर ये जिस समय घटना हुई थी वो इस समय नहीं थे। आप अगर नहीं इन्वॉल्व थे तो कोई ना कोई तो प्रूफ होगा ही आपके पास कि उस समय हम यहां थे। मान लीजिए आप किसी दोस्त के पास थे तो उस दोस्त को ले जाके आप अपने पिताजी के साथ या किसी दूसरे के साथ इन लोग के पास भेजिए, ही ना कि अपने चल जाए साहब हम नहीं थे तो उठा के डाल देगा सभी, सब अपने में मिले रहते हैं। तो इन लोग को आप ले जाके कह सकते हैं, एसपी बहुत अच्छा से सुनते हैं क्योंकि एसपी को खरीदना बहुत बड़ा, वो बहुत बड़े बड़े लोग का, फिर यहाँ मंत्री उंत्री लोग का सोर्स चलता है एसपी के पास, नॉर्मल आदमी का नहीं चल पाता। तो ये आपकी बात को सुन सकते हैं। और इन लोग के पास, दोनों लोग के पास ऑर्डर होता है कि नो अरेस्टिंग का आदेश जारी कर सकते हैं, अभी इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाए। लेकिन अगर मान लिया कि ये लोग भी अगर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तब क्या कीजिएगा,
तब आप चले जाइए एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए। आप अगर गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो आप वकील को करिए तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल, जिसे कहते हैं अग्रिम जमानत, ले लीजिए। हमारे ऊपर भी कई जना लोग ने फर्जी FIR कर दिया, कोचिंग पढ़ाते रहते तो उल्टा सीधा काम कर देता है। फर्जी FIR लिख दिया, FIR हो गया मेरे नाम पे, पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए, पुलिस कह रही खान साहब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, हम कहते मत करिए महाराज, हम लेके चलाते हैं एंटीसिपेटरी, तो कहा ठीक है जाइए लेते ही। देखिए पुलिस को भी पता है कि कौन क्राइम किया है कौन नहीं किया, खुद पुलिस बोल रहे थे कि आप लेते हैं यहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, देखिए हमारा ही फोटो है, शायद यही कपड़ा भी पहने क्या, ये दूसरा है, मिलता जुलता है। तो वहाँ पुलिस के वहाँ गए कोर्ट के पास, तो जज पता है, देखिए कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता, सब समझता है। तो हमको एंट्री सेपरेटरी बेल दे दिए, तो हम एंट्री सेपरेटरी बेल लेके आ जाएंगे ना, अब पुलिस के सामने घूमते रहेंगे तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती हमको, अब पुलिस केवल सबूत इकट्ठा करेगी या जज को दे देगी, वहां पर एंट्री सेपरेटरी बेल आपके पास रहना चाहिए। लेकिन क्या होगा कि आप एंट्री सेपरेटरी बेल भी नहीं लिए हैं, आप पुलिस DSP SP भी आपकी बात नहीं सुने, आप कहीं घूम रहे हैं, आपको पुलिस पकड़ लेगी, अब तो डाल देगी जेल में। जब जेल में डाल देगी तो उसको उसके लिए भी आपको बेल लेना पड़ेगा, आप उसके लिए भी बेल ले सकते हैं, उसे कहते हैं रेगुलर बेल, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, एंट्री सेपरेटरी आसान होता है, तुरंत मिल जाता है कि भाई साहब हम नहीं किए हैं, जज साहब हमको थोड़ा समय दे दीजिए, हम आपको हम जब तक हम अपनी बेगुनाही का सबूत आपके पास लाएंगे, तो आपको जो है ना बेल आराम से मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद ना आप बेल मिल जाना मतलब ये कहां का नियम है कि आप निर्दोष है ना, मौत आपका अभी भी है, बस बेल का मतलब कि इसे गिरफ्तार मत कीजिएगा, कोर्ट आदेश दे देती है। अब आपको साबित करना पड़ेगा कि नहीं ये फर्जी FIR है, तो इसके लिए दो रास्ते, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए कि देख भाई हमको काहे लिए फंसा रहा है, उल्टा सीधा हम नहीं थे, कभी कभी अज्ञानता में भी लोग जब किसी को मार धाड़ कर दीजिएगा तो बहुत गुस्सा में रहता है, जो मिलेगा नोच लेगा, उसको नाम डाल देता है, बाद में उसे भी एहसास होता है कि नहीं ये व्यक्ति नहीं था, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं लोग, तो यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ना, तब आप जाइएगा, देखिए हम लिख दिया CRPC की धारा 482, इसके तहत आप हाई कोर्ट जाइएगा, देखिए भले ही हम सुप्रीम कोर्ट का फोटो लगा दिए लेकिन हाई कोर्ट जाना पड़ता है 482 के तहत, और हाई कोर्ट में आप अपने लीगल दस्तावेज दीजिएगा कि देखिए सर ये हमको फर्जी FIR में फंसाया है, हम उस वक्त नहीं थे, आप अगर नहीं रहेंगे सच में आप कुछ नहीं किए तो आपके पास पक्का प्रूफ होगा, आप दिखाइए CCTV फुटेज दिखाइए या जो चीज दिखाइए, मोबाइल ट्रेस करके दिखाइए, आपका वकील बताएगा क्या क्या चीज चाहिए, आप उसको दिखाइए और हाईकोर्ट आपको देखेगा, आप तुरंत हाईकोर्ट कह देगा कि भाई ये FIR फर्जी है, या फिर अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि नहीं भाई ऐसा भी हो सकता है कि आदमी झूठ बोला है, तो फिर पुलिस को कह देगा कि अभी इसके गिरफ्तार मत कीजिए, लेकिन आप ठोस सबूत बताइए कि यही किया था, समझा गया। और अगर आप पे कोई फर्जी कर दिया है और कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहा है, तब तो आप कन्फर्म जाइए CRPC की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट बढ़िया से उन्हें खंगालेगा, इतना आप विश्वास रखिए कि अगर आपने किसी पर गंभीर रूप से नहीं मारा पीटा है तो वो कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट वाले बहुत पहुंच वाले होते हैं, और उसके बाद अगर वहां पकड़ाया कॉम्प्रोमाइज नहीं किया फर्जी के बाद भी ऐंठ रहा है, तब वहां आप करिए 500 के तहत उस पर क्या कर दीजिए, मानहानि का दावा ठोक दीजिए, और 211 के तहत उसी पर मुकदमा ठोक दीजिए, इसे जुड़ा हमको फंसाया, हमारा इज्जत खराब किया, समय बर्बाद किया, इसको भी ले जाइए। तो जब आपको कॉम्प्रोमाइज कर ले रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही, तब आराम से रखिए, हाईकोर्ट ले गया तो फिर उसको भी नहीं छोड़िए, इतना समझिए कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, कुछ भी हो जाए। देखिए सुशांत सिंह मैटर का भी 2 महीना तक लेट हुआ, लेकिन अभी CBI जांच लग गई है, वो भी कहीं ना कहीं निर्णय पे आ जाएगी। तो इस तरह से आप समझे कि पुलिस लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या हाईकोर्ट लेवल पर किस तरह से अपने ऊपर किए गए फर्जी FIR को आप निरस्त करा सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि अगर FIR सच का हो गया या फर्जी हो गया, उससे बहस नहीं है, हो गया, अब नौकरी पे क्या असर पड़ेगा, तो पहले समझते हैं कि वैसा व्यक्ति जो ऑलरेडी कोई नौकरी कर रहा है, मान लीजिए कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, उन्होंने किसी का मार के मुंह हाथ तोड़ दिया, तोड़ा है या नहीं तोड़ा है अलग बात है, उन पर FIR हो गया तो क्या उनकी नौकरी चली जाएगी? देखिए FIR हो जाने से नौकरी नहीं चली जाएगी, लेकिन अगर उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल डाल दिया है तो विद्यालय, सरकारी जो स्कूल होते हैं वो उन्हें सस्पेंड कर सकता है, कर नहीं देता है, कर सकता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा होता है और वो जेल में गया रहता है तो क्या होता है कि अगर उस अपने पद पर रहा तो उस पद का वो दुरुपयोग कर सकता है। जैसे प्रिंसिपल है तो थाना में जाएगा तो लोग उसको बैठने के लिए देंगे, बैठे बैठे प्रिंसिपल साहब पता चला तो उनका मुड़ी फोड़ के आया, उसको थाना में बैठाया जाएगा तो सस्पेंड कर दिया जाता है, तो क्या कहेंगे हम सस्पेंडेड प्रिंसिपल है, तो दाना वाला कहेगा खड़े रहो, तो सस्पेंडेड प्रिंसिपल है यहाँ पे। तो आप
अपने पद का दुरुपयोग न करें, इसलिए यदि आपके ऊपर कोई खतरनाक FIR है तो डिपार्टमेंट आपको, मतलब आप अपने पद का दुरुपयोग न कर सके इसलिए सस्पेंड कर सकता है, जनरली करता नहीं है। लेकिन अगर आपको कोर्ट ने सजा सुना दिया ना, तब आपकी नौकरी खत्म, अभी भी खत्म नहीं होगी, फिर आपको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजा सुनाया, जैसे आप हाई कोर्ट में अपील कर देंगे आपकी नौकरी बच जाएगी, सस्पेंड रहेंगे आप, समझ में गया? सस्पेंड से फिर हो सकता है कि आप जॉब में आ जाए। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने भी फिर से आपको सजा सुना दिया, फाइनली कर दिया कि नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना दिया, तब तो आपकी नौकरी चली जाएगी कॉग्निजिबल अपराध में, इस तरह के मुकदमे में, अदरवाइज में आपकी नौकरी नहीं जाएगी। आप अपील में रहेंगे तब तक नौकरी नहीं जाएगी। पता चला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको सजा सुनाया और इधर आप सस्पेंड हुए और आपने हाई कोर्ट में अपील नहीं किया कि भाई साहब हमने गलती नहीं किया था, तो आपको टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट मतलब खत्म, सस्पेंड का मतलब होता है आधी सैलरी देना। जब आप जॉब में आते हैं ना, तो बाकी जो आधा काट काट के रखा था वो भी दे देता है आपको। वो कई इसके कुछ लंबे प्रोसेस होते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट लोग के लिए कि स्टूडेंट के ऊपर FIR हो गया तब उसका जॉब लगेगा कि नहीं। यहाँ स्टूडेंट का दो चीज़ें होती हैं। मान लिया कि उसने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद FIR हुआ है, एक ये कंडीशन। अब पता चला फॉर्म भरने से पहले ही FIR हो गया, मुकदमा चल रहा है, तब कंडीशन। देखिए अगर आप कोई चीज़, अब अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं और उसके फॉर्म भरने से पहले ही आप पर कोई मुकदमा है या कोई FIR है, तो फॉर्म भरते वक्त ही आपसे पूछ लेता है कि आप पर कोई मुकदमा या FIR नहीं ना है, तो उस पर क्लिक करके उसका आप डिटेल दे दीजिए, आपकी नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपने फॉर्म भर दिया है, आप तो एकदम टेंशन फ्री थे, अब एग्जाम के 10 दिन पहले या कुछ दिन पहले मार हो गया और उसमें आपका नाम आ गया, आप कहाँ से करिएगा, आप तो फॉर्म भर दिए, एडमिट कार्ड भी आ गया होगा। तब जब आपकी ज्वाइनिंग लगेगी ना, तो ज्वाइनिंग के समय आपको हलफनामा देना पड़ेगा। हलफनामा मतलब स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ेगा कि फला केस में हमें फर्जी फंसाया गया था, हम अपनी बेगुनाही का सबूत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे चुके हैं, यहाँ मुकदमा चल रहा है, आपकी जॉब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ लिखवा लिया जाएगा कि अगर यहाँ से आप दोषी करार दिए गए ना, तो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो अगर यहाँ से आप अपराध मुक्त हो गए, आप नौकरी करते रहिएगा, और इसमें अगर सजा सुना दिया तो आप चल गए, नौकरी से खत्म कर दिया जाएगा आपको। तो आई होप आप ये सब चीज़ों को समझ गए होंगे। इसको लिखवाने वाला चीज़ जो अभी जस्ट इस 1 से 2 दिन के अंदर आपका ऐप लाएंगे, तो उसमें एप्लीकेशन में हम आपको इसका A to Z डिटेल से लिखवा देंगे कि पूरी CRPC, क्योंकि ये दरोगा के एग्जाम में, खास करके UP दरोगा में, ये सब पूछेगा आपका IPC और CRPC का क्या क्या चीज़ें होंगे। तो उसमें आपको एकदम A to Z PDF नोट टेस्ट वगैरह के साथ आपको मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओके, काफ़ी चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता थी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, जैसे कहा जाता है ना कि काफ़ी समझदार लोग बोलते हैं कि एक कोर्ट के और हॉस्पिटल के चक्कर कभी नहीं लगने चाहिए किसी भी इंसान को, ठीक है। उसमें से एक तो हो गया है हॉस्पिटल का, ठीक है, हमारे साथ में, और अच्छा खासा हुआ है, काफ़ी बार हुआ है। एंड कोर्ट से तो रब की मेहर से तक बचे हुए हैं और बचते भी रहेंगे, लेकिन यार जो हॉस्पिटल में होता है ना, क्या बोलूँ मैं, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली, अभी भी जस्ट मैं आई हूँ हॉस्पिटल से, और आने के बाद मैंने शूट करना स्टार्ट किया है। वेल, वीडियो अगेन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए था, ठीक है। हम तो यहाँ पर नॉलेज ले रहे हैं आप लोग की, मतलब मेहरबानी से बोल सकते हैं, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं खान सर के, मैं जानती हूँ सबके वीडियोस आएंगे, लेकिन ना दूसरों की भी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है। एंड यस, वीडियो ख़त्म करते हैं, एंड होपफुली आप लोग की रिक्वेस्ट में कंप्लीट हो गई तो आप लोग खुश हो गए होंगे। खुशी है तो जल्दी से मुझे भी थोड़ा सा खुश कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, एंड स्टूडेंट्स के साथ में भी। एंड गाइज, यहाँ तक देख लिया तो छोटी सी तो रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, क्यों ऐसे इग्नोर करके चल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है। एंड फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।